हेलो। तो पढ़ाता तो मैं फिज़िक्स हूँ, लेकिन फिज़िक्स समझने के लिए या न्यूमेरिकल पार्ट उसका सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स के बिना फिज़िक्स नहीं हो पाती। तो मैथमेटिक्स के थोड़े से मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट, आज सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर। ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। 67 × 21 दो नंबर हमारे पास हैं। सो इन वन लाइन इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द आंसर, तो आपको क्या करना है देखें, 7 × 1 7, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 1 6 प्लस 7 × 2 14, कितना हो गया जी 20। 20 का हमने सिर्फ जीरो लिखा और टू कैरी कर लिया, टू कैरी किया याद रखिएगा। अब 6 × 2 12 प्लस 2 14, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं ठीक भी है या नहीं भी है। लो भाई आ गया 67 × 21, इट इज 1407, एग्जैक्ट आंसर हमारा आ गया। सो लेट्स ट्राई इन अनदर प्रॉब्लम ऑल्सो, 3 × 1 3, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 1 8 प्लस 3 × 3 9, कितना हो गया 17। 17 का 7 लिखिए, 1 कैरी कर लीजिए, 8 × 3 24 प्लस 1 25। चेक कर लेते हैं, 83 × 31 इट इज 2573। एक लाइन में आंसर आ गया, दो लाइनें हमें यूज नहीं करनी पड़ी। अगली एक और प्रॉब्लम देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, 94 × 35 4 × 5 20, टू कैरी कर लिया, उसके बाद 9 × 5 45 4 × 3 प्लस 12, कितना हो गया 57। टू यहां से कैरी किया, 57 प्लस 57 प्लस 2 59, 9 लिख लिया, 5 कैरी कर लिया, 9 3 जा 27, कितना कैरी किया था 5 32 3290 3290। चलो भाई चेक कर लेते हैं, आ भी रहा है कि नहीं, क्या था जी 94 × 35 राइट। सो 94 × 35 द आंसर इज 3290। सो वन लाइनर आपका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। एक्चुअली फिजिक्स में न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स कंप्लीट है ही नहीं, आप जानते हो, और न्यूमेरिकल में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो न्यूमेरिकल में तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी ना। चलो ये हो गया, अगला देखें, स्क्वायर फाइंड आउट करना। वी वांट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर 17, सेम 7 × 7 49, 9 4 कैरी कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 × 1 7 प्लस 7 × 1 7, कितना हो गया 14, कैरी कितना करना 4, 14 प्लस 4 18, 8 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया, 1 × 1 1 प्लस 1 2 289 क्या, वैसे तो आपको पता ही होगा पर चलो कंफर्म कर लो। लो भाई कन्फर्म करो, 17 × 17 इट इज 289। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई चार प्रॉब्लम में, यही करना हमेशा बस। चलो अगले वाले में चलते हैं, सपोज आप किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो एक तो तरीका वही है जो हमने कर लिया, पर अगर किसी नंबर के पीछे 5 लगा है और उसका स्क्वायर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, देन व्हाट यू नीड टू डू इज 5 × 5 25 सीधा लिख दिया, उसके बाद 2 × 2 4 होना था ना, ना 2 में प्लस 1 कर दो, एक डिजिट और बढ़ा दो, 2 × 3
कितना होगा 6, 625 आपका आंसर आ गया। फिर सुनिए 5 × 5 = 25 लिख दिया। अगले वाला जो भी नंबर होगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, उसको प्लस वन करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6, जैसे 65 है तो 5 × 5 तो 25 आएगा ही आएगा ना, तो आ गया। अगला नंबर क्या है, 6, 6 में एक बढ़ाओ 7, 6 × 7 = 42, 4 × 2 = 25 आपका आंसर आ गया। आसान है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, और सीखिए, काम आएंगे। थैंक यू।